नमस्कार, मैं एमके माही, मेरे साथ सुनील कुमार। आप देख रहे हैं खास खबरें न्यूज बिहार। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं अररिया जिला के कुर्साकांटा प्रखंड के कुआड़ी पंचायत वार्ड नंबर 6, जहां की आज हम लोग चर्चा करेंगे 7 निश्चय योजना की एक अहम योजना जो कि जल नल योजना है। यह योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 सितंबर 2016 को किए थे, जो कि कागज के तौर पर 2020 को यह योजना संपन्न हो गया। इस योजना में टोटल 57,00,000 रुपये की राशि का जो है टेंडर पूरे बिहार में हुआ। अब तक 19,00,000 रुपये की राशि के लागत से यह योजना अब तक चल रहा है। पूरे बिहार में 1,15,000 टोटल वार्ड है। एक वार्ड में 40,00,000 रुपये की राशि का खर्च होना है। अगर बात करें वार्ड नंबर 6 में तो देखा जाए 40,00,000 रुपये की जो है राशि से बना ये जो है पानी टंकी का भवन, ये भूत बंगले की तरह बिल्कुल पड़ा हुआ है। ना ही यहाँ कोई प्रकार का कोई सुविधा है। अगर देखा जाए तो 40,000 रुपया की जो राशि का जो एक बोर्ड होता है, हर योजना के बाहर एक बोर्ड टंगी होती है, वो भी बोर्ड यहाँ दिखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात करें इस योजना में तो कितने लोगों का बंदरबांट हुआ है ये आप समझ सकते हैं। ना ही कोई बोर्ड है और ना ही कोई यहाँ गेट में कोई ताला लगा हुआ। ये बात करते हैं वार्ड नंबर 6 के नागरिक से, जो कि पानी के लिए अभी भी वंचित हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूं सर। मेरा नाम हुआ भरत कुमार पोदार, वार्ड नंबर 6 से। क्या लग रहा है आपको ये पानी, ये जो आपके बगल में जो है मशीन जो लगी हुई है, ये कब से कब इनका शिलान्यास हुआ था? लगभग 1.5-2 साल पहले, बट ये जो है कि अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। महीना और 2 महीने में एक बार जो ये खोला जाता है कि पानी निकलता ही नहीं निकलता है, उसका फिर बंद हो जाता है। इसके लिए कोई देखने वाला कोई है ही नहीं। और ये जो है हर वार्ड में लगभग सबसे पहले यहाँ लगाया गया था, लेकिन कुआरी में जो है सबसे पहले लगने के बावजूद भी सबसे पीछे भी इसको पानी नहीं मिल रहा और सभी लोग इससे वंचित भी हैं। सर, आपके नल में कभी आज तक पानी निकला है या नहीं? सर, अभी तक तो नहीं देखा मैंने। तो सर, आप इस चीज़ के लिए दोषी आप किसको मानेंगे? अब दोषी सरकार का सिस्टम है, या फिर जो सिस्टम को करने के लिए होते हैं वो इसको पूरा नहीं करते हैं, दोषी वो भी हो सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने देखा है जो कि भरत कुमार यहाँ ग्रामीण हैं, इनको इनके जस्ट घर के सामने पानी टंकी है जो कि भूत बंगले की तरह जो है खड़ी है, आज तक इनको पानी नहीं मिला है।